हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आज हम हिंदी की पैडागोजी पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी भाषा की पैडागोजी पढ़ेंगे। हिंदी भाषा है, इंग्लिश भाषा है, चाहे संस्कृत भाषा हो, तीनों भाषाओं की जो पैडागोजी होती है वो बिल्कुल सेम होती है, बस इसका ट्रांसलेशन हो जाता है। जैसे जब इसको आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तब उसमें भी क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा लैंग्वेज एंड एक्विजिशन। क्या हो जाएगा? लैंग्वेज एंड एक्विजिशन सेम रहती है, ठीक है। और पैडागोजी कितना ज़्यादा रोल प्ले करती है सीटेट को क्रैक करने के लिए, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, ठीक है। आप उसको देख सकते हैं कि जो 50% मार्क्स की 50% आती है पैडागोजी, 50% में आपका सब्जेक्ट आता है, ठीक है। जैसे हिंदी है तो हिंदी 30 मार्क्स की आएगी पेपर, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तब 30 में से 15 जो मार्क्स होंगे वो तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, व्याकरण है, पैराग्राफ है, और जो 15 मार्क्स होंगे वो पैडागोजी से आएंगे, ठीक है। और जो पैडागोजी के चैप्टर हैं वो चैप्टर कुल 9 चैप्टर हैं, टोटल 9 चैप्टर है, ठीक है। आज हमारा पहला चैप्टर है भाषा का अधिगम एवं अर्जन, ठीक है। बहुत आराम से इस वीडियो को देखें, ठीक है, आपको बिल्कुल भी समझ में आएगा, चाहे आज तक आपने कुछ भी ना पढ़ा हो, ठीक है। पैडागोजी का पहला चैप्टर है, आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा अधिगम एवं अर्जन के लिए कि अधिगम क्या होता है और अर्जन क्या होता है, ठीक है। अधिगम को इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग, ठीक है, और अर्जन को कहते हैं एक्विजिशन। अधिगम माने होता सीखना, ठीक है, अधिगम माने सीखना, अर्जन माने भी होता है सीखना। फिर इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। जो अधिगम होता है उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, ठीक है, प्रयासपूर्ण होता है, इफर्ट लगाना पड़ता है, जबकि अर्जन के लिए आपको इफर्ट लगाना नहीं पड़ता, प्रयास नहीं करना पड़ता, समाज से अपने आप हो जाता है। जैसे हम सभी लोगों की हिंदी भाषा है मातृभाषा, तो हिंदी भाषा के सीखने के लिए हम लोगों को कहीं भी कोई कोचिंग कोई स्कूल नहीं जाना पड़ा होगा कि चलिए हिंदी भाषा सीखते हैं बोलना, ठीक है। तो ये हमने कहाँ से सीख ली, हमने घर परिवार समाज, ठीक है, यहीं से हमने इसका अर्जन कर लिया, ठीक है, सीख ली हमने भाषा। तो ये हो गया भाषा का अर्जन, अधिगम। अब हिंदी ही भाषा है मातृभाषा, इसका हमने अर्जन कर लिया। क्या हम समाज से इसकी व्याकरण सीख सकते हैं? इसकी हिंदी भाषा की व्याकरण है, इसकी अन्य बारीकियाँ हैं, रस छंद अलंकार हैं, क्या इनको हम भी समाज से सीख सकते हैं? नहीं, ठीक है। तो व्याकरण के लिए शब्दावली है, तो इसके लिए हमने इसको क्या करना पड़ता है, अधिगम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, ठीक है, इसके लिए हमें प्रयास लगाना पड़ता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अधिगम और अर्जन में क्या होता है, ठीक है। अभी हम इसके अंतर को पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है, जिस और हम विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या मत दिए हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, ये तीनों में आएगा, हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, संस्कृत में आएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसके अधिगम और अर्जन के अंतर को देखते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है चेतन प्रक्रिया। अधिगम कैसी प्रक्रिया है? अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है। अर्जन कैसी प्रक्रिया है? अचेतन प्रक्रिया है। चेतन का मतलब होता है जागरूक होकर, ठीक है, प्रयासपूर्ण, ठीक है। अर्जन क्या? अचेतन प्रक्रिया है। अचेतन का मतलब है इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रयास करना नहीं पड़ता है, ठीक है, अपने आप से स्वाभाविक रूप से, ठीक है, अचेतन अवस्था में भी हम सीख सकते हैं। जैसे अगर हम लेटे हुए हैं आराम से, ठीक है, और कोई दो लोग बात कर रहे हैं तो उन बात को हमने सुन लिया, ठीक है, और हमने सीख गए हम उनको, ठीक है। क्या ऐसे इतने ही बिना किसी प्रयास किए हम अधिगम कर सकते हैं, व्याकरण सीख सकते हैं क्या हिंदी की?
हिंदी की या इंग्लिश की किसी भी भाषा की नहीं सीख सकते। इसके लिए आपको चेतन प्रक्रिया है, ठीक है, अलर्ट होकर सीखना होगा, ठीक है, प्रयास करना पड़ेगा। तो कुल मिला के बस आपको इतना याद रखना है कि अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है, अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है और अर्जन एक अचेतन प्रक्रिया है, ठीक है। अभी ये पॉइंट्स पढ़ेंगे तभी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं संस्थागत, इसका मतलब क्या है। अधिगम करने के लिए आपको संस्थान में जाना पड़ता है, चाहे आपका स्कूल हो, फॉर्मल स्कूलिंग है, कोचिंग है, ठीक है। लेकिन अर्जन के लिए आपको कहीं भी कोई भी संस्थान में जाना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये असंस्थागत हो गया, ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल हो गया, जबकि संस्थागत क्या हो गया, अधिगम। इसके लिए आपको फॉर्मल स्कूल है, ठीक है, कोचिंग है, या जैसे भी आप सीखे, ठीक है। तो दूसरा अंतर हमारा क्या हो गया अधिगम और अर्जन में, कि अधिगम जो होता है वो संस्थागत होता है, अर्जन कैसा होता है, असंस्थागत होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नियमबद्ध। जो अधिगम होता है वो नियमबद्ध प्रक्रिया होती है, इसके निश्चित नियम होते हैं, ठीक है। जैसे व्याकरण है, ठीक है, शब्दावली है, संधि है, समास है, ये ठीक है, सब कुछ इसके नियम होते हैं निश्चित सीखने के, अधिगम के। लेकिन अर्जन का कोई भी नियम नहीं है, ठीक है, कहीं भी चौराहे पर, रास्ते में, कहीं भी हम सीख सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये अर्जन हो गया, ठीक है, एक्विजिशन हो गया, इंग्लिश में इसे एक्विजिशन कहते हैं। चलिए अब हमारा फोर्थ पॉइंट है अस्वाभाविक, इसका मतलब क्या है। अधिगम कैसा होता है, अस्वाभाविक। अस्वाभाविक माने जो स्वाभाविक ना हो, जो स्वयं से ना हो। वही बात है घुमा फिरा के कि अधिगम के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, ठीक है, अलर्ट होके चेतन प्रक्रिया है, ठीक है, और ये अपने आप नहीं हो जाती है। तो एक कैसी प्रक्रिया होगी, अस्वाभाविक प्रक्रिया होगी। जबकि अर्जन स्वयं से समाज में कुछ भी सीख गए, तो एक ऐसी प्रक्रिया स्वाभाविक होगी, स्वयं से हो गई, अपने आप हो गई, ठीक है, बिना किसी प्रयास किए। आपको क्या याद रखना, आपको ये याद रखना है अधिगम एक अस्वाभाविक प्रक्रिया है, अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है क्या, समृद्ध भाषिक प्रवेश परिवेश, ठीक है, समृद्ध भाषिक प्रवेश परिवेश, ठीक है। अधिगम सीखने के लिए आपको जितना भी ज़्यादा परिवेश उपलब्ध होगा, परिवेश का मतलब होता है इन्वायरमेंट, ठीक है, आप उतना ही अच्छी तरीके से सीखते हैं। जैसे स्कूल वगैरह, प्राइमरी स्कूल है, चाहे आप प्राइवेट स्कूल है, कोई भी स्कूल जो होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो हमारा क्लासरूम होता है उसमें चार्ट वगैरह लगे हुए होते हैं, ठीक है, वो इसीलिए लगे होते हैं कि जैसे जब हम चार्ट को देखेंगे, ठीक है, तब हम सीखेंगे, ठीक है। प्रिंटिंग मटेरियल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ है, तो इसे ही कहते हैं परिवेश, वातावरण। मतलब अधिगम के लिए हमारे आसपास का जितना अच्छा वातावरण होगा, ठीक है, सीखने के लिए उतना ही हम अच्छे तरह से सीखेंगे, इसे ही कहते हैं समृद्ध भाषिक परिवेश। अर्जन क्या है, एक प्राकृतिक रूप से अपने आप से नैसर्गिक प्रक्रिया है, ठीक है, इसके लिए कोई परिवेश की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। आगे क्या पॉइंट है, आगे देखते हैं नियम या व्याकरण। वही बात है कि अधिगम के निश्चित नियम होते हैं, व्याकरण होता है, ठीक है, जबकि अर्जन जो है वो कैसा है, सहज है, ठीक है, सहज है और पर्यावरण से होता है। सहज मतलब का, सहज का मतलब है यहाँ पर आसानी से, ठीक है, जबकि अधिगम क्या क्या होता है, व्याकरण होती है, निश्चित नियम होते हैं। तो अधिगम कठिन है जबकि अर्जन सरल है। अब देखते हैं अधिगम, देखिए अधिगम मातृभाषा का भी किया जाता है, जनरली सेकेंड लैंग्वेज का किया जाता है। अर्जन मातृभाषा का ही होता है, ठीक है, सेकेंड भाषा का भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये उठती है कि जैसे हिंदी हम लोगों की मातृभाषा है, तो उसका हम अर्जन भी कर रहे हैं और अधिगम भी कर रहे हैं। जैसे हिंदी बोलना है तो ये हमारा क्या हो गया, सहज है, स्वाभाविक है, नैसर्गिक है,
अपने आप से हो गया, तो ये हमारा हो गया अर्जन, ठीक है। और हिंदी भाषा की हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, पैडागोजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसकी बारीकियों को समझ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया अधिगम, ठीक है। तो कितने पॉइंट्स अभी तक हमने पढ़े अधिगम और अर्जन में, कि अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है, अर्जन अचेतन प्रक्रिया है, अधिगम संस्थागत होता है, अर्जन असंस्थागत होता है, अधिगम नियमबद्ध होता है, अर्जन कोई नियम निश्चित नहीं, अधिगम अस्वाभाविक होता है, अर्जन स्वाभाविक होता है, अधिगम के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए, ठीक है, अर्जन प्रकृति रूप से होता है, अधिगम के निश्चित नियम होते हैं, व्याकरण होती है, ठीक है, अर्जन का सहज होता है, आसानी पूर्ण होता है, समाज से होता है, पर्यावरण से होता है, ठीक है। अधिगम जो होता है मातृभाषा का होता है और जनरली ज़्यादातर सेकेंड लैंग्वेज का होता है, ठीक है, और अर्जन मातृभाषा का होता है, ठीक है। आई होप इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। एक दो बार आप वीडियो को देख लेंगे तो आपको फिर इसके बाद कभी भी चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। अब देखिए जो स्टार लगा के हमने क्या लिखा है, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में हमने लिखा है, ठीक है, ऐसे ही नोट्स बनाने चाहिए जो कि छोटे भी हों और अपने आप से उनको पढ़ सकें, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी कहानियाँ वगैरह नहीं लिखने हैं। जैसे हमने लिखा है भाषा अर्जित विरासत में नहीं, इसका मतलब क्या है, भाषा अर्जित की जाती है, सीखी जाती है, ठीक है, विरासत में नहीं मिलती। विरासत का मतलब है पैतृक संपत्ति है, माता पिता है से, ठीक, हमें मिल गई। अर्जित का मतलब है अपने आप प्रयास करके जो अर्जित किया जाए, जैसे हमारे लोगों को भी जो संपत्ति होती है, ठीक है, वो हमें माता पिता से क्या है, मिल जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, विरासत में मिल जाती है, ठीक है। अब ये बताइए कि ऐसा हो सकता है कि जैसे हमारे पिताजी हैं, ठीक है, वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, कि हम भी प्रकांड विद्वान बन जाएंगे, वो हमें विरासत में देंगे कि लो बेटा तुम भी बन जाओ, ठीक है, तो हमें बन तो सकते हैं, हम भी प्रकांड विद्वान बन सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, अपनी ताकत लगाने पड़ेगी, ठीक है, अपना कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तब हम कर पाएंगे, तो इसको हम अर्जित करेंगे, अपने आप से सीखेंगे, ऐसा नहीं कि बस पिताजी ने उठा के हमें दे दी संपत्ति की जैसी कि लो बेटा अब यह संपत्ति तुम्हारी होगी, ऐसा नहीं होता है। तो तभी कहा जाता है कि भाषा अर्जित की जाती है, ठीक है, भाषा कैसी की जाती है, भाषा अर्जित की जाती है, ठीक है, विरासत में नहीं मिलती है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं, जन्म, इसका मतलब है बच्चे को सभी चीज़ें सिखाई ही नहीं जाती हैं, ठीक है, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनको साथ ही बच्चा पैदा होता है, ठीक है, जन्म जात बाई बर्थ से वो उनको सीखा हुआ होता है। जैसे जब बच्चे का जन्म होता है तो वो रोने लगता है, चिल्लाता है, क्या उसको रोना और चिल्लाना किसी ने सिखाया, नहीं, वो जन्म जात उसमें वो गुण है, ठीक है, जन्म से ही पैदा हुआ, तो रोना व चिल्लाना कैसा हो गया, नैसर्गिक प्रक्रिया, स्वाभाविक प्रक्रिया, स्वचालित, स्वयं से है जो चालित चलने वाली, स्वाभाविक अपने आप, नैसर्गिक प्राकृतिक रूप से, तो रोना व चिल्लाना क्या हो गया, नैसर्गिक हो गया, स्वाभाविक हो गया और स्वचालित हो गया, ठीक है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें केवल एक ही संवेग होता है, ओनली वन इमोशंस होती है, एक्साइटमेंट, उत्तेजना, ठीक है, इसके अलावा और उसमें कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। चलिए आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे विद्वानों के विचार भाषा के संबंध में, ठीक है, विद्वानों हैं के विभिन्न मत हैं, ठीक है, विचार हैं, जिनमें कि तीन लोग मुख्य हैं, ठीक है, नाम चोमस्की हैं, इनको चामस्की भी लिखा जाता है, वाइगोत्स्की हैं, पियाजे हैं, ठीक है, तो इन विद्वानों ने क्या क्या कहा है, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे आते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे चामस्की को, नाम चामस्की, ठीक है,
इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जो बच्चा होता है, बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। कैसी क्षमता होती है? भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ठीक है, बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? जन्मजात होती है। ठीक है, इन्हीं ने ही एक सिद्धांत है LAD। LAD क्या होती है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस शॉर्ट में लिखकर आता है LAD। कि LAD का सिद्धांत किसने दिया? वो नाम चॉम्स्की ने दिया। तो नाम चॉम्स्की ने सीधे शब्दों में समझो क्या कहा, नाम चॉम्स्की ने कहा कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है, जन्म से होती है। बच्चे पैदा हुए ही होते हैं ये लेडी के साथ बच्चे पैदा होती हैं। अब ये लेडी क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, अभी इसके हम क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा जे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं वाइगोत्स्की जी के ऊपर, देखते हैं इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने अपना क्या मत दिया है। ठीक है, वाइगोत्स्की जी ने कहा है कि जो भाषा होती है वो विचार को प्रभावित करती है। बच्चे की जो भाषा होती है वो विचार को प्रभावित करती है। और क्या कहा? बच्चा भाषा जो सीखता है वो समाज में सीखता है। बच्चा भाषा कहाँ सीखता है? समाज में सीखता है या समाज से सीखता है। क्वेश्चन आएगा कि बच्चा भाषा को समाज से सीखता है, निम्नलिखित में से किस विद्वान का मत है, किस विद्वान का विचार है? तो हमारा आंसर होगा वाइगोत्स्की। ठीक है, और वाइगोत्स्की जी ने ही अंताबाक की संकल्पना दी, कॉन्सेप्ट दी। ठीक है, इनर स्पीच है, पर्सनल टॉक है, प्राइवेट स्पीच, ये इसके अलग अलग नाम है। ठीक है, हमने जो वाइगोत्स्की वाला वीडियो बनाया है, ठीक है, आप उसको जाके देख सकते हैं तो आपको ये पूरा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि इनर स्पीच क्या होती है, इसके लिए ये चीज जो है वो 3 से 6 साल होती है। ठीक है, तो हमें वाइगोत्स्की में क्या क्या याद रखना है? भाषा विचार को प्रभावित करती है, बच्चा भाषा समाज से सीखता है। ठीक है, और इन्होंने अंताबाक की संकल्पना थी, कॉन्सेप्ट थी। हमारे नेक्स्ट नेक्स्ट विचारक हैं, ठीक है, विद्वान है पियाजे, जीन पियाजे, जीन पाइगेट। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने वाइगोत्स्की जी ने जो कहा था उसके जस्ट विपरीत कहा, उसके विपरीत। इन्होंने क्या कहा? भाषा विचार को प्रभावित करती है। वाइगोत्स्की जी ने, पियाजे ने कहा नहीं, विचार भाषा को प्रभावित करता है। और पियाजे ने अहम केंद्रित भाषा, ठीक है, इगोसेंट्रिक स्पीच दी। इसका टाइम कितना होता है? 3 to 6 years, 3 to 6 years। ठीक है, जीन पियाजे ने, ये हमने मेन मेन पॉइंट्स लिख रखे हैं। पढ़ने को तो इसमें बहुत कुछ है, लेकिन उतना पढ़ो जो अपने लिए पेपर में आए। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। ऐसे ही मैंने अपनी पढ़ाई की थी, ठीक है, ऐसे ही आई होप आप लोगों को भी पढ़ना है। बहुत ज़्यादा शॉर्ट में पढ़ना है, ठीक है, और एनालिसिस करके पढ़ना है। चलिए, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? हमने अधिगम एवं अर्जन में अंतर देख लिए, ठीक है, ये देख लिया। अब आते हैं विद्वानों के मत पढ़ लिए, चॉम्स्की, चॉम्स्की, कुछ भी पढ़ो, ठीक है, वाइगोत्स्की, पियाजे। ठीक है, वैसे तो हम अलग से इनको पढ़ेंगे, वाइगोत्स्की और पियाजे जी को। यहाँ तो हमने भाषा के रूप में इनको पढ़ लिया, ठीक है, अधिगम एवं अर्जन के संदर्भ में इनके विचार पढ़ लिए। ठीक है, वैसे तो ये अपने आप में अलग से पढ़े जाते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो वाइगोत्स्की जी पर बनाया है, ठीक है, आप जाके उसको देख सकते हैं। चलिए, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको कुछ टफ लग सकता हो, ठीक है, अगर एक दो बार आप इसको देख लेंगे तो आपको आई होप क्लियर हो जाएगा, है नहीं बहुत ज़्यादा कुछ इसमें। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये मेरा पेपर, मेरी बुक है प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर हैं इसके आंसर लगे हुए हैं उन पर मत जाए, आंसर लगे हुए क्या हैं, ठीक है, समझने पर ध्यान दें। ठीक है, जैसे सीटेट सितंबर 2014 का क्वेश्चन है कि अंताबाक,
ठीक है। पर्सनल टॉक की संकल्पना किससे संबद्ध है, किसने दी थी? तो देख, तो ये किसने दी थी पर्सनल टॉक वाली स्पीच, पर्सनल टॉक किसने दिया था? देखिए यहाँ पर पर्सनल टॉक वाइगोत्स्की जी। कौन है? वाइगोत्स्की जी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चामस्की? नहीं, चामस्की ने क्या दिया? चामस्की ने दिया LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, वाइगोत्स्की ने। ठीक है, अंता बाकी संकल्पना किसने दी? वाइगोत्स्की ने। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की जी। क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाषा और चिंतन में संबंध होता है, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन कैसा है? ठीक है, यह भी प्रीवियस का क्वेश्चन है। क्या सही है? आंशिक रूप से सही है, पूर्णता गलत है, व्यर्थ है? तो बताइए इसका क्या होगा आंसर? भाषा और चिंतन में संबंध होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की जी ने यही तो बताया संबंध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पूर्णता सही है। ठीक है, ये है, आपको दिखाते हैं। वाइगोत्स्की ने क्या कहा? भाषा विचार को प्रभावित करती है। पियाजे ने क्या कहा? विचार भाषा को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? पूर्णता, सॉरी, पूर्णता सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। भाषा अर्जन में बच्चे, अब बताना भाषा अर्जन में बच्चे क्या करते हैं, कैसे होता है भाषा अर्जन? सहज होता है, स्वाभाविक रूप से होता है, ऑप्शन फर्स्ट में। सेकंड, अभ्यास और यांत्रिकता से होता है कि केवल प्रैक्टिस करते जाओ, रूम में बैठकर अर्जन हो जाएगा आपका भाषा का। स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण होता है, सहज और अभ्यास से सीखते हैं। तो ठीक है, तो सहज तो होता है अर्जन, लेकिन अभ्यास से ही केवल नहीं सीखते हैं, तो इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड क्या है? स्वाभाविक प्रयासपूर्ण तरीके से, स्वाभाविक तो होता है लेकिन प्रयासपूर्ण तरीके से नहीं होता, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज रॉन्ग। सेकेंड में क्या है कि केवल प्रैक्टिस से हो जाता है अर्जन? नहीं, अर्जन जो होता है, तो अभी हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े थे अर्जन के संबंध में? सहज और स्वाभाविक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए यहां पर दिखाते हैं आपको, है यहाँ पर स्वाभाविक है और सहज है, स्वाभाविक अर्जन है और सहज, तो स्वाभाविक और सहज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध से है। सामाज के द्वारा, ये कथन किसने दिया था? बच्चा भाषा समाज के द्वारा सीखता था, सीखता है। स्किनर ने, चामस्की ने, पियाजे ने? चामस्की ने तो LAD दिया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। पियाजे ने क्या दिया? इकोसेंट्रिक स्पीच। और बच्चा समाज के द्वारा भाषा को सीखता है, ये किसने दिया था? ये वाइगोत्स्की जी ने दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और हैं। तो बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, मतलब बच्चा समाज से ही भाषा को सीखता है, जो किसका, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की। चॉम्स्की तो होंगे नहीं, पियाजे भी नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की। चॉम्स्की ने क्या दिया? LAD। बार बार इसको पढ़ो, ठीक है, रिवाइज करो, आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा कि हम देखते खन मार देंगे आंसर। ठीक है, पियाजे तो होगा ही नहीं, तो इसका क्या होगा? वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे, जब मतलब बच्चे भाषा को कैसे अर्जित करते हैं? पहला ऑप्शन क्या है? भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं? नहीं, रटना तो है ही नहीं कुछ, रटने वाला ऑप्शन हमेशा गलत होता है 100%। कोई कभी कोई त्रुटि नहीं करता, मतलब जब आप भाषा सीखेंगे तब आप कभी कोई गलती करेंगे ही नहीं, बिल्कुल करेंगे। सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड क्या है? अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, मतलब सब लोग ज्यादा से ज्यादा त्रुटियां करते हैं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। लास्ट ऑप्शन क्या है? भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं,
जो भाषा के नियम होते हैं वो स्वयं ही जाते आ जाते हैं। यहाँ यहाँ पर हमारा व्याकरण के नियमों से नहीं है, ठीक है, बोलने बोलने के नियम से है, ठीक है, ठीक है, अर्जन अर्जन से संबंधित है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? यह सहज होता है, यह परिवार में ही होता है, मतलब केवल अर्जन, केवल आप भाषा को समाज घर में ही सीखते हैं, बाहर नहीं सीखते हैं, कठिन होता है अर्जन, कठिन होता है अर्जन, नहीं कठिन होता, अधिगम कठिन होता है, विद्यालय में ही होता है, मतलब केवल भाषा बोलना आपको विद्यालय में ही आता है, आपको हिंदी भाषा बोलनी अगर आई हम लोगों को तो केवल स्कूल में ही जाके आई, क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? यह सहज होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अभी हमने इस पर पहला ही वीडियो बनाया है, ठीक है, ये आज हमारा पहला वीडियो था, ठीक है, पैडागोजी पर, ठीक है, भाषा की पैडागोजी पर, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, ठीक है। चलिए अब वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आया, ठीक है, तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं, हमारे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें, ठीक है। हम लोग इसी प्रकार से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और जो आने वाला सीटेट का एग्ज़ाम है जो अगस्त या जुलाई में होगा, उसके लिए अभी से हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है, इससे हम लोग अच्छा से अच्छी से परफॉर्मेंस कर सकें और 100+ मार्क्स ला पाएँ, ठीक है। जैसे कि मैंने 2 बार 30 out of 30 अचीव किए हैं, ठीक है, और टोटल 105 नंबर लाए हैं, ठीक है, तो आप लोग इससे ज़्यादा ही लाएंगे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हम लोगों को ध्यान इसी पर देना है, पैडागोजी पर, ठीक है, पैडागोजी को ही बहुत ज़्यादा रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।